Welcome to my YouTube channel. Its name is Abid Hussain KK. If you have not subscribed my channel, it's the right time to subscribe it and hit the bell icon as you can get all my videos. Today we will learn about past perfect tense. आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़मान माजी मुकम्मल। मतलब कोई काम जो पास्ट में माजी में मुकम्मल हो चुका हो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कोई काम आपने पास्ट में कर लिया था, जैसे मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका फार्मूला भी है, इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में और लास्ट में लगता है ऑब्जेक्ट। इसके हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, वो है हेड, जो नीचे आता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब थे, हैज़ और हैव। अब अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। तो देखें, इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया हेड, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड होगा। वर्ब, मेन वर्ब जो होगा उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रंक इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वो कराची जा चुका था, इसकी इंग्लिश होगी ही हैड गोन टू कराची। मतलब वो कराची जा चुका था, मैं नहा चुका था, इसकी इंग्लिश होगी आई हैड टेकन अ बाथ। रोजाना हो तो एवरी डे लगा देना। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम क्रिकेट खेल चुके थे, हम की इंग्लिश है वी हैड प्लेड क्रिकेट। हैड इसका हेल्पिंग वर्ब, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट। आइए कुछ मजीद एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लड़की अपना काम खत्म कर चुकी थी, गर्ल हैड फिनिश्ड हर वर्क। मेरा भाई नाश्ता कर चुका था, इसकी इंग्लिश होगी माई ब्रदर हैड टेकन ब्रेकफास्ट। टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। अहमद मोबाइल खरीद कर चुका था, अहमद हैड बॉट अ मोबाइल। किसान सांप को मार चुका था, किसान की इंग्लिश है फार्मर, और मारने को कहते हैं किल। फार्मर हैड किल्ड अ स्नेक। मैं अपने अब्बू को खत लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर टू माई फादर। वो मोबाइल इस्तेमाल कर चुका था, ही हैड यूज्ड मोबाइल। Excellent. Now let's learn how to make negative of past perfect tense. Past perfect tense के negative sentence कैसे बनाएं? Negative का मतलब है जिसमें not लगे, या उर्दू में बोलें या हिंदी में बोलें जिसमें नहीं का word आए। Head जो helping verb है उसके बाद not लगाने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सांप को नहीं मार चुका था, I had not killed snake. Had के बाद not लगने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। हम गांव नहीं जा चुके थे, हम की इंग्लिश है we had not gone to village. Had के बाद not लगने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अली खाना नहीं खा चुका था, अली had not eaten meal. Eat का थर्ड फॉर्म है eaten. Ali had not eaten meal. हम गाली नहीं दे चुके थे, गाली देना बहुत बुरी बात है, गाली बिल्कुल ना दें। We had not abused.
अब्यूज़ का मतलब है गाली देना, हेट के बाद नॉट लगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन गया। ये गाड़ी चोरी नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट स्टोलन कार। वेल डन, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मेक इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए अब सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव मतलब सवालिया जुमले कैसे बनाएं। वो भी बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है आपको कि हेड जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखने से लगाने से वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। आइए सीखते हैं एग्जांपल से। क्या मैं पानी पी चुका था, हेड आई ड्रंक वाटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या अली नया मोबाइल खरीद कर चुका था, हेड अली बॉट न्यू मोबाइल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या ये काम खत्म कर चुका था, हेड ही फिनिश्ड वर्क। सिर्फ सब्जेक्ट से पहले हेड लगाने से वो जुमला इंटरोगेटिव बन जाता है। क्या हम गाली दे चुके थे, हेड वी अब्यूज्ड। कितना आसान है इंग्लिश सीखना, देखें। क्या तुम कराची जा चुके थे, हेड यू गोन टू कराची, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू लर्न कंप्लीट ग्रामर। नाउ देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू। अब आपके लिए एक काम है, देखते हैं कि इस वीडियो को कितने अच्छे तरीके से आपने देखा और कितने अच्छे तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा। अब इसकी ट्रांसलेशन करें सेंटेंस की और कमेंट में बताएं कि ये जो तीन सेंटेंस हैं इनकी ट्रांसलेशन उर्दू और हिंदी में क्या होगी। इन तीन सेंटेंस की आपने ट्रांसलेशन करके बताना है कमेंट में। ओके, थैंक यू वेरी मच। Now subscribe my channel if you have not subscribed and hit the bell icon as you can get all my videos. Thanks a lot.